हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉस ऑफ बाजार बाजार इंडियन इन्वेस्ट फॉर एवर हो चुका है सो डोंट बी कंफ्यूज एंड बात करते हैं आज के एक हॉट टॉपिक की कि अडानी ग्रुप आपको पता ही आज डेट में किस तरीके के लोअर सर्किट लगते हुए नजर आए और बहुत ज्यादा गिरते हुए नजर आए लगभग स्टार्टिंग में तो वन टेन बिलियन डॉलर तक उन्होंने लैप्स हो गए थे बट अगर थोड़ी बहुत रिकवरी हो गई थी एक दो शेयर में तो फिर भी फिफ्टी के करोड़ मतलब बात कर रहे हैं पच्वन तो करोड़ यहाँ पर एक ही दिन में गायब हो गए तो अभी क्या अभी यहाँ पर जो हो गया वो हो गया बट अब टॉपिक आता है कि अडानी के जो शेयर्स है अगर हम बात करें अडानी के अडानी पोर्ट है अडानी इंटरप्राइज है अडानी ट्रांसमिशन है अडानी पावर है अडानी ग्रीन है अडानी गैस है तो इनमें से ये छह शेयर मार्केट में लिस्ट है तो इन छह शेयरों पर आपको क्या करने की जरूरत है कौन सा स्टॉक है जो आपको जो स्ट्रांग है जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है जिनके नंबर अच्छे आए हैं और जिनके बेस पे आप इनके इन कंपनी पर भरोसा रख सकते हैं वरना आपको पता ही है कि किस दौर से गुजर रहे हैं मार्केट जिस तरीके शेयर ऊपर गए थे उसी तरीके से शेयर नीचे भी आ सकते हैं और आपको निकलने का भी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें लोअर सर्किट यहाँ पर बात करें यहाँ पर भी लोअर सर्किट लास्ट में ऊपर आ गया था फिर लोअर सर्किट फिर लोअर सर्किट यहाँ पर आप समझ रहे हैं इस चीज को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोअर सर्किट आग लग गए आपको निकलने का भी मौका नहीं मिलेगा तो एग्जैक्टली exactly आपको करना क्या है एक स्टडी की कौन सा अच्छा स्टॉक है अडानी का और कौन से स्टॉक्स में आपको एक पोजीशन क्योंकि देखिए बड़े लोग हैं वो तो निकल जाएंगे कैसे ना कैसे निकल जाएंगे उनके पास इतना पैसा है कि वो नीचे भी आ गए ना फिर वो बाइंग कर करके करके -कर -कर -कर, ओके आ, अपनी पोजीशन को कम करके और फिर आ, उसे अपर अभी लोअर सर्किट लग रहा है फिर अपर सर्किट चला के वो निकल जाएंगे और फंसा कौन रह जाएगा रिटेल इन्वेस्टर तो आपको क्या करने की जरूरत है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ही यहाँ पर वीडियोज बनाई जाती है आपको पता ही है

और यहाँ पर आप बात करें यहाँ पर पेशेंट्स तक की यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है अडानी ग्रुप का तो यहाँ पर कुछ स्टोरी भी है उसे भी नरेट किया गया है तो आप इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप डिस्क्रिप्शन दिस्क्रि में लिंक है अगर आपका ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट नहीं क्लिक करें फ्री में अकाउंट ओपन होगा और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए लिस्ट बना दी गई है प्ले आप यहाँ पर क्लिक करें और एक एक वीडियो को जाके देखिए आपकी नॉलेज शार्प होती जाएगी तो यहाँ पर बात कर लेते हैं देखिए आज की डेट में अडानी में अच्छा खासी गिरावट हुई है सारे शेयर

इनकी जो फंडामेंटल एनालिसिस जो कहेगी उसके बेस पे हम बातें करेंगे तो आइए एक-एक करके पर देखते हैं सबसे पहले देखिए अडानी ग्रुप के साथ में जो शेयर प्लेज है ना इनके तो उनसे रिलेटेड हम पहले बात करेंगे कि क्या क्या प्लेजिंग है कितनी प्लेजिंग कम करिए क्या कितनी प्लेजिंग यहाँ पर कम नहीं हुई है ये है अडानी पोर्ट तो अडानी पोर्ट अगर हम बात करें तो इनके पास कितने शेयर हैं पहले एक साल पहले की बात करें मार्च में तो लगभग लगभग बा इनके पास 62.7 परसेंट के शेयर थे जिनमें से 58 परसेंट मतलब सौ में से जैसे पर इसके 58 तो लगभग लगभग आधे से थोड़े से ज्यादा शेयर यहाँ पर गिर भी थे उन्होंने धीरे धीरे प्लेजिंग कम करी यहाँ पर फिर बड़ी फिर यहाँ पर बड़ी और फिर उसके बाद इस क्वार्टर की बात करें तो अपनी जो प्लेजिंग है बड़ी कम कर दिया है की प्लेजिंग रह गई है तो ये पैरामीटर भी हमें देखना होगा कि प्लेजिंग धीरे धीरे कम कर देते हैं बट कभी भी पर कम करके फिर दोबारा बड़ा भी लेते हैं तो इस चीज को आपको देखना होगा ऑन द वीडियो को भी देखिएगा काम ऑलरे रहेगा ही रहेगा क्योंकि जितना भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है वो पोर्ट के थ्रू ही किया जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होल्डिंग ये तो प्लेजिंग की बात होगी अडानी पोर्ट की एज वेल एज बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरा शेयर दूसरा शेयर है

तो ये पैरामीटर भी आपको अगेन एंड अगेन एंड अगेन बार बार आपका अगर शेयर होल्डर है तो चेक करते रहना पड़ेगा एवरी uh, डे चेक करिए कि कहीं प्लाइजिंग तो नहीं बढ़ा दी कहीं तो नहीं बढ़ा दी मनी कंट्रोल पे जाइए और uh, यहाँ पर शेयर फाइनेंशियर्स पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इनकी प्लाइजिंग कम हुई है या बढ़ी गई है तो यहाँ पर अडानी पोर्ट्स में प्लाइजिंग कम की गई है अच्छी बात है यहाँ पर बात कर लेते हैं ये जो ये शेयर है अडानी ट्रांसमिशन यहाँ पर भी देखिए फिफ्टी थ्री थर्टी फाइव ट्वेंटी सेवन ट्वेल्व तो अभी ट्वेल्व परसेंट की प्लाइजिंग है की बात करूं तो 25 परसेंट तक की प्लेजिंग चलती है बट उससे उससे ज्यादा होती है तो थोड़ी सी बात सही नहीं होती समझ रहे हो ना आप मेरी बात को अगर प्लेसिंग 25 परसेंट से नीचे रहेगी तो अच्छी रहती है और जीरो डेट फ्री कंपनी हो तो उसमें बात ही अलग रहती है फिर तो ल, आ, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि हाँ हमें ऐसी आ रही है अडानी पावर में और शेयर आपको पता ही है लोअर सर्किट में यहाँ पर लगता हुआ नजर आया थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ी सी कम करी थी बट स्टिल बात करे कुछ खास कमी हुई है जैसे अडानी अडानी दूसरे शेयरों में यहाँ पर होती हुई दिखाई दे बात करें अडानी ग्रीन की तो अडानी ग्रीन को यहां पर चौदह परसेंट फिर फिर की बात करें तो पॉइंट एट थ्री सबसे अच्छी बात है इन द सेंस कोई भी प्लेजिंग कोई भी शेयर गिर भी नहीं है इसके अलावा दूसरे शेयर की बात करें तो सबसे अच्छा शेयर जो लगता भी है एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कौन सा शेयर अच्छा है अडानी टोटल गैस कभी भी प्लेजिंग रही

अडानी टोटल गैस फिर अडानी यहां पर ग्रीन नजर आती है जो कि कम बिल्कुल ही कम प्लेसिंग हो गई है इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आ, यहाँ पर अडानी ये इंटरप्राइजेज यहाँ पर बिल्कुल ही ही कम कर दिया 6 की ही रह गई है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए दी और बाकी अगर बात करें तो यहाँ पर अडानी ट्रांसमिशन की तरफ भी देख सकते हैं ट्रांसमिशन का बिजनेस ऑलरेडी बहुत ऊपर ऊंचाई पर चल रहा है फिर अडानी पोर्ट की तरफ जा सकते हैं और अडानी पावर की तरफ लास्ट में आप देख सकते हैं ये हो गई कुछ बात अब बात कर लेते हैं और कुछ बातों की तो अगर बात करें अडानी गैस की ओके अडानी टोटल गैस की हम बात कर लेते हैं तो अडानी टोटल गैस के देखिए लार्ज कैप कंपनी है अच्छा खासा यहाँ पर कोई प्लेजिंग नहीं है चौबीस परसेंट के आसपास का डेट है डेट है इस कंपनी के पास बात करें यहां पर हाईएस्ट एवर देखिए नंबर यहां पर आते हुए क्वार्टरली रिजल्ट आया है हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आया है हाएस्ट एवर यहाँ पर, पर लगभग लग लगभग लग 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 पिछले दो तीन क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आया तो इस चीज को ध्यान में रखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं यहां पर ईयरली बेसिस पे तो यहां पर नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए नजर आ रहे इस बार के नंबर थोड़े से डलते हैं बट कोई इशू नहीं है अगली बार दोबारा बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे नेट प्रॉफिट की बात करें हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है तो यहां पर अडानी सब भी अच्छा खासे है और थोड़ा बहुत कर्जा है बाकी अगर बात करें यहाँ पर अच्छी खासी शेयर होल्डिंग पैटर्न है कोई भी शेयर गिर भी नहीं है तो अडानी टोटल को हमेशा टॉप पे रखिएगा ओके इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी कौन सी कंपनी थी जो कि बिल्कुल ही डेट फ्री कर दी थी अडानी ग्रीन अडानी अडानी ग्रीन ग्रीन के एक बार यहां पर देख लेते हैं ग्रीन अगर हम देखते हैं तो अडानी ग्रीन में भी हमें कुछ ना कुछ दिखे ही देगा अच्छा सा यहाँ पर देखिए लार्ज कैप कंपनी वन लाख नाइन्टी थाउजेंड करोड़ की यहाँ पर कंपनी नजर आती है अब तो ये कंपनी यहाँ पर कम हो गया होगा क्योंकि लोअर सर्किट लग गया है प्लस की बात करें पॉइंट एट थ्री परसेंट डेट की बात करें टेन पॉइंट एट परसेंट का डेट है मतलब यहां पर डेट बहुत ज्यादा सारा इंटरेस्ट में, मतलब एक एक में, इतना, इतना तो में, में से डेट इतना दे दिया तो प्रॉफिट क्या बचेगा आप खुद ही सोच सकते हैं फिर भी हाईएस्ट लेवल यहाँ पर प्रॉफिट है इसी की वजह से यहाँ पर कंपनी स्टार्टिंग में लॉस में जा रही थी सेल्स की बात करें हाईएस्ट लेवल सेल्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अच्छी बात है ये सारी चीजें नेट प्रॉफिट की बात करें अच्छा खासा नेट प्रॉफिट है बट इंटरेस्ट देखिए इंटरेस्ट भी बढ़ता थे तीन सौ चौतीस करोड़ से सीधे उन्नीस सौ तिरपन करोड़ यहाँ पर इंटरेस्ट पे हो रहा है तो ये सारी की सारी ये बात अच्छी नहीं रहती इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा जिस दिन ये इंटरेस्ट कम करने लग जाएगी यहाँ पर ये डेट फ्री कंपनी हो, होने की कगार पे होगी उस टाइम इससे बेहतरीन कंपनी भी कोई नहीं होगी इस बात को भी याद रखिए अगर रिजल्ट नेगेटिव में है यहाँ पर देखिए कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में यहाँ पर पैसा लगा हुआ है और एसेट बढ़ती हुई नजर आ रही है तो आगे चल के शायद अच्छा खासा और ज्यादा बिजनेस करती हुई नजर आ सकती है बाकी यहाँ पर हम बात कर ही लिए प्लेजिंग जो शेयर थे वो शायद छोड़ा लिए है और कुछ इन्होंने अपनी हिस्सेदारी भी यहाँ पर बेची है यहाँ पर देख सकते हैं हिस्सेदारी बेची है एफ आई ने थोड़ी सी बेची है डी आई ने भी थोड़ी बेची है और किसने उठा ली है ये हिस्सेदारी तो ये हिस्सेदारी सारी की सारी उठा ली है एक तो यूनिवर्सल ट्रेड एंड इन्वेस्टर ने 16.4 और ए सी एम ई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने थ्री की हिस्सेदारी ले ली है इनसे प्रोमोटर uh, से तो यहाँ पर इसे दूसरा ऑप्शन रखिएगा प्लाइसिंग का यहाँ पर थोड़ी सी कम है बट यहाँ पर डेट ज्यादा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ए टी टी एल पर सबसे बेस्ट नजर आती है इसके बाद अगर बात करें जो अगर बात करते हैं यहाँ पर सिक्स परसेंट की यहाँ पर थी यहाँ पर सिक्स परसेंट तो हाँ तो अगर हम बात करते हैं अडानी इंटरप्राइजेस को हम देखते हैं अभी तो हम अडानी इंटरप्राइजेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए एटी नाइन परसेंट का डेट है डेट कम से कम यहाँ पर कम है थोड़ा सा टेन परसेंट के लगभग का डेट नहीं है तो इस चीज को देखिए मतलब समझ रहे एटी नाइन और वहाँ पर आ, कितना परसेंट मतलब थाउजेंड परसेंट खास थाउजेंड के आसपास का डेट था उस कंपनी पे मार्केट कैप लार्ज कैप कंपनी आर की बात करें एट पॉइंट एट वन परसेंट का आर है प्लाइजिंग की बात करें प्लाइजिंग यहाँ पर है 6 की बट कम होती हुई नजर आई है जो कि अच्छी बात है सेल्स की बात करें सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एवर सेल्स है हाईस्ट एवर प्रॉफिट है ओके यहाँ पर ईयरली बेसिस पे भी कंपनी ने हाई अच्छा खासा परफॉर्म किया है इस बार के थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता हुआ नजर आता है ये शेयर तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा वॉलेटाइल शेयर है नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बट इंटरेस्ट अगेन यहाँ पर भी चलो इंटरेस्ट कम से कम यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है ये काफी बेहतरीन बात है कि यहाँ पर कंपनी अपने आप को डेट फ्री करने मतलब बोरिंग कम कर रही है क्योंकि अभी सात हजार करोड़ रुपए डेट देती दे थी आज की डेट में तेरह सौ तीस तो ये यह पैरामीटर यहाँ पर काफी अच्छा लगता है बोरिंग यहाँ पर देख सकते हैं बोरिंग यहाँ पर एटी करोड़ रुपए की थी कभी अभी पंद्रह करोड़ की रह गई है थोड़ी सी बढ़ा दी है वही कह रहा हूँ ना यहाँ पर कभी भी बोरिंग ले लेते ले हैं कभी भी बोरिंग घटा देते हैं तो ये चीज पे आपको ध्यान देना होगा बाकी एफ आईज डी यहाँ पर अच्छे खासे लेवल पे है और पब्लिक के पास यहाँ पर कम ही पैसा नजर आता है इसके अलावा बात करें अड़ानी हम मैंने बात कर ली पोर्ट्स पोर्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अडानी पोर्ट से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाई है और तो यहाँ पर हंड्रेड परसेंट से ज्यादा के शेयर मतलब डेट 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 है यहाँ पर सोलह परसेंट का यहाँ पर प्लेजिंग भी है यहाँ पर जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ अडानी पोर्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी यहाँ पर और भी कुछ पैरामीटर यहाँ पर देखिए लार्ज कैप कंपनी है नंबर्स की बात करें, नंबर्स सभी कंपनी ने अच्छे खासे पेश करे बट पोर्ट के थोड़े इस नंबर क्वार्टरली बेसिस पे कम आते हुए दिखाई दे है ईयरली बेसिस पे तो यहाँ पर चलो ठीक है इंटरेस्ट की बात करें इंटरेस्ट यहाँ पर अगेन ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा है ईयरली बेसिस पर जंप है नंबर्स में और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी हाईस्ट एवर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है तो हर चीज हाईएस्ट एवर दिखाई दे रही है बट स्टिल यहाँ पर बात करें बोरिंग की तो यहाँ पर एक साल में कितनी बोरिंग बाईस लगभग पचपन करोड़ रुपए तो यहाँ पर केवल इंटरेस्ट में पे कर दिया है तो इस चीज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पर रिजर्व भी अब यह अच्छी बात है और बोरिंग की बात करें बोरिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है ईयरली क्वार्टर हर साल यहाँ पर बोरिंग बढ़ रही है तैंतीस करोड़ की बोरिंग है तो थोड़ा सा चीज की तरफ ध्यान दीजिएगा इस मामले में ही सबसे बेहतरीन पर 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 नजर आती है बाकी यहां पर है 63 की भी है भी है है बाकी देखिए की और और बात बात करें पब्लिक के पास यहां पर काम है जो कि अच्छी बात है। और इसके अलावा अडानी, 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 अडानी ग्रीन हो गया तो अडानी ट्रांसमिशन हो रहा है अडानी ट्रांसमिशन को देख लेते हैं तो अडानी ट्रांसमिशन की बात करें यहाँ पर भी प्लेजिंग कम करिए बारह परसेंट के आसपास की प्लेजिंग है डेट की बात कर यहाँ पर भी अच्छा खासा डेट है टू हंड्रेड परसेंट से ज्यादा का थ्री हंड्रेड परसेंट के आसपास का पी काफी ज्यादा है और मार्केट कैपिटल तो आपको पता ही है आज की डेट में सबका चेंज हो गया होगा ये कल की पर दिखा रखा है।, हाँ तो से है सेल्स की बात करें, भी यहाँ पर बात करें कभी जीरो करोड़ की सेल्स थी आज की डेट में नौ करोड़ की सेल्स है इसको भी ध्यान में रखना होगा यहाँ पर बात करें नेट प्रॉफिट की नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा है यहाँ पर जनरेट किया बट यहाँ पर इंटरेस्ट वही सेम इक्कीस सौ सत्रह करोड़ का इं, इंटरेस्ट मतलब इतना इंटरेस्ट अगर पे ही करते रहेंगे पे करते रहेंगे तो ऑबियसली बात है फिर कंपनी कमाएगी क्या तो वही वाली बात है यहाँ पर बोराइंग की बात करें बोराइंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और सेम अगर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग डी आई एस एफ आईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है और पब्लिक के पास में बिल्कुल ना के बराबर हिस्सेदारी है बट पब्लिक के पास ना के बराबर ही रहेगी क्योंकि बड़े बड़े लोग ही यहाँ पर ले जाते हैं अड़ानी पावर की और बात कर लेते हैं तो अड़ानी पावर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए अड़ानी पावर लगभग तीन सौ साढ़े तीन सौ परसेंट तक करेंगे यहाँ पर आर ओ सी यहाँ पर, पर वही सेम किस्सा है इन, इन का सेल्स यहाँ पर देख लीजिए सेल्स भी कुछ खास नहीं है गिरते हुए मैनर में यहाँ पर सेल्स है ओके okay, यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें नेगेटिव से प्रॉफिट पॉजिटिव में आ गया है तेरह करोड़ का ही प्रॉफिट है यहाँ पर इंटरेस्ट देखिए इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं इंटरेस्ट की वजह से प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है सेल्स अच्छी खासी है बट अगर बात करें ईयरली बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा है हाईस्ट एबर है बट यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो पांच करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ईयरली बेसिस पे रिजर्व यहाँ पर देखिए पचास करोड़ के आसपास पास की बढ़ाएंगे और अडानी पावर में इसमें रहना फिर खतरे से खाली तो ऑबियसि बात है यहाँ पर बहुत ज्यादा तो सबसे बेहतरीन कंपनी केवल और केवल एक ही नजर आ रही है अड़ानी टोटल गैस जो आपके सामने है ओके okay, क्योंकि यहाँ पर डेट भी बड़ा कम है और प्लेजिंग है ही नहीं और कंपनी अच्छे खासे नंबर पेश कर रही है तो अडानी गैस की तरफ जाइए अडानी गैस के शेयर को आई डोंट थिंक डों कुछ होने वाला है नीचे आ जाएगा तो एक लोग दोबारा से बाइंग करना शुरू कर देंगे उसके बाद थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो दूसरे शेयर की तरफ देख सकते हैं जिनकी प्लेजिंग कम हुई है या फिर ना के बराबर प्लेजिंग है और डेट वगैरह सब चीज देखते हुए बाकी अडानी गैस ही यहाँ पर सुपर है बाकी दूसरे शेयर यहाँ पर नजर नहीं आते तो इसी चीज से

सबसे शेयर अडानी ग्रुप का जो है वो अडानी टोटल गैस है लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी तब भी अडानी टोटल गैस था आज की डेट में वीडियो बना तो भी यहां पर अडानी टोटल गैस ही है तो वीडियो अच्छी चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली के साथ बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में करिए पर्सनली आपको डेफिनेटली मैं यहाँ पर अपनी तरफ से जो भी मेरी बुद्धि है उसके हिसाब से आपको जवाब देना